Then next is, now try and make your one writer about two other species. यानी कि आपको अपने आप से भी ऐसी कोई one या फिर two ऐसे writers बनानी है. Ask those writers in your class draw picture of two species in your notebook. Write their name. यानी कि आपको भी आपके book में ऐसे दो writers बनानी है, फिर उसको आपको class में बतानी है, then उसकी pictures भी आप बना सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे दो राइडर्स बनाई है. फर्स्ट इज, आई लुक लाइक द डार्क ऑफ अ ट्री, आई कम इन शेप ऑफ स्मेल स्टिक, आई एम यूज इन डिसीज फॉर मैनी फ्रेग्रेंस, आई एम ऑल्सो इन चॉकलेट कैंडल्स एंड च्विंगम, आई एम चॉकलेटी ब्राउन, टेल मी हु एम आई. यानी कि यहाँ पे मैंने एक राइडर बनाई है कि जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ है वो एक छोटी सी ट्री की तरह लगती है, ट्री के जैसा उसको दिखने में शेप है. देन वो छोटी सी स्मॉल स्टिक जैसा होता है, उसको क्या बता है कि हमें उसका डिजीज में ऐसे फ्रेग्रेंस के लिए यूज होता है. देन उसको चॉकलेट में, कैंडीज में, देन च्विंगम में भी उसको ऐसे यूज किया जा सकता है, और वो चॉकलेट ब्राउन की तरह दिखता है. तो ऐसा क्या है यहाँ पे, हमें क्या बता है, सिनामोन. यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सिनामोन. तो ये जो ये सिनामोन है वो ऐसे दिखने में ब्राउन स्टिक कलर का दिखाई दे रहा है, वो ट्री जैसा दिखता है, उसको हम डिशेस में ऐसे फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन उसको हम चॉकलेट में, कैंडीज में, च्विंगम में भी उसका यूज किया जा सकता है. देन मैंने नेक्स्ट दूसरी राइडर बनाई है, आई एम द कॉस्टलीस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड, आई गिव येलो कलर टू डिश लाइक बिरयानी, आई लुक लाइक फाइन हैरिस, टेल मी हू एम आई. यानी कि ऐसी चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी प्राइस बहुत ही कॉस्टली होती है, उसको मिल्क में या फिर बिरयानी में कलर लाने के लिए उसको मिल्क में ऐसे थोड़ा सा उबाल दे तो वो येलो कलर का हो जाता है, देन उसको बिरयानी में भी यूज़ किया जा सकता है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो हेयर की तरह हमें लगती है, ऐसी कौन सी चीज़ है, आंसर क्या आएगा, सेफ्रन. तो जो सेफ्रन है वो बहुत ही कॉस्टली चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कॉस्टली है, यानी कि बहुत ही महंगी मिलती है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेफ्रन. ऐसे ही आपको और दो राइडर्स भी आप अपने आप से बना सकते हो, तो ऐसे ही आपको आपकी बुक में ऐसे बना के आपको बतानी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच स्पाइसिस यूज आर इन योर हाउस फॉर कुकिंग, मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू. यानी कि आपके घर में कौन से ऐसी स्पाइसेस जो है वो यूज़ होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है, देन आपके फ्रेंड में कौन से स्पाइसेस यूज़ होते हैं उसकी लिस्ट की आपको कंपेयर करना है. जैसे कि हमारे घर में कौन सी स्पाइसेस का यूज़ होता है, फर्स्ट है चाउमीन यानी कि ज़ीरा, क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, चिली यानी कि मिर्ची, फिनल यानी कि सर्फ, आगे हमने देखा. देन हींग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्पोटिडा, उसको क्या कहते हैं, हींग. देन रई यानी कि मस्टर्ड, और इलायची उसको क्या कहते हैं, कार्डमम. तो ऐसे ही और भी स्पीसीज यूज होते हैं आपके घर में, उसकी लिस्ट आपको बनानी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वेर यंग विच स्पीसीज वेर यूज मोस्ट इन देयर किचन, फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हियर. यानी कि आपके दादा दादी जब आपके जितनी एज के थे तो उनके घर में कौन से स्पीसीज यूज होते थे किचन में, उसकी लिस्ट आपको उनको उनसे पूछ के बतानी है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर, माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू स्पीसीज लाइक ट्यूमेरिक, ट्यूमेरिक, क्यूमिन, चिली, मस्टर्ड, इटिस यानी कि हल्दी, मिर्ची, सारी चीज़ों को यूज़ होता है, वो भी बरसों पुराने से ये जो सारे मसाले हैं वो अक्सर यूज होते आए हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ स्पीसीज विच इज पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स. यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसमें हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट में और सॉल्टी में. तो आंसर क्या आएगा, कार्डमम इज यूज बोथ इन स्वीट, स्वीट यानी कि हलवा, एंड सॉल्टी यानी कि बिरयानी डिशेस. यानी कि जो कार्डमम है वो उसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं, हलवा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि मीठा बनाने में भी, और बिरयानी यानी कि सॉल्टी बनाने में भी कार्डमम का हम यूज़ कर सकते हैं. कार्डमम यानी
की इलायची कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट व्हाट इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट श्योर, यानी कि हमें टेस्ट श्योर यानी कि खट्टा मीठा बनाना हो तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, विनेगर, लेमन जूस और ड्राई मैंगो पाउडर, यानी कि उसको क्या कहते हैं, आमचूर कहते हैं। इज पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट श्योर, यानी कि हम ऐसे टेस्ट जो होता है वो श्योर, यानी कि खट्टा मीठा बनाने के लिए हम जो खाना होता है उसमें से विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं। देन ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि उसको कहते हैं आमचून, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं और हम इमली का भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, आई एम कुट्टन, आई लिव इन केरला, यानी कि केरला से एक कुट्टन नाम का लड़का है, वो हमें कहता है देर इज अ गार्डन ऑफ स्पीसीज इन द बैक यार्ड ऑफ माई हाउस, यानी कि वो बताता है कि हमारे घर के पीछे जो एक बैकयार्ड है उसमें ये जो सारे मसाले हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। देर आई सी प्लांट ऑफ तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम एंड ब्लैक पेपर ग्रो, यानी कि वो हमें यहाँ पे लड़का जो है कुत्ते वो केरला से वो कहता है कि मेरा जो घर है उसके पीछे जो बैकयार्ड है उसमें ये जो सारे मसाले हैं सारे के प्लांट्स हमारे यहाँ पे ऐसे ग्रो होते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डमम, ब्लैक पेपर, ये जो सारे हैं मसाले वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। अक्सर केरला में हर एक घर में जो कोकोनट ट्री होता है वो तो हर एक के वहाँ पे होता है, मगर वो बताते हैं कि केरला में ये जो सारे मसाले हैं उसके प्लांट वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, स्मॉल एंड बिग कार्डबम, ब्लैक पेपर, ये जो सारे प्लांट्स हैं वो वहाँ पे ग्रो होता है, ऐसा हमें बताया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वेदर एनी स्पीसीज आर ग्रो इन योर एरिया, राइट देयर नेम्स हियर, यानी कि आपके एरिया में ऐसे कौन से स्पीसीज है जो ग्रो होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है यस देयर इज अ बे लीव्स, यानी कि उसको तेज पत्ता कहते हैं, प्लांट्स ग्रोविंग इन माय कार्टयार्ड, यानी कि आपके वहाँ पे जो भी प्लांट यानी कि जो भी स्पीसीज ग्रो होते हैं उसको आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग सम वूल स्पीसीज टू क्लास, यानी कि कुछ स्पीसीज जो है वो आपको क्लास में लेकर आना है, राइट देयर नेम इन द टेबल, यानी कि टेबल में उसके नेम लिखने हैं, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज ईच स्पीसीज बाय स्मेलिंग एंड टचिंग ईच वन इन टर्न, पुट राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ वन योर रिकॉग्नाइज, यानी कि आपको आपकी आइज क्लोज करके उसको टच करके या फिर उसकी स्मेल लेकर उसको पहचानना है कि ये कौन सी स्पीसीज है, अगर सही है तो उसके सामने आपको राइट का मार्क लगाना है, इफ़ यू डू नॉट रिकोगनाइज यानी कि उसको वो याद नहीं है तो आपको उसके सामने रॉन्ग का मार्क लगाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्पीसीज में लिखा है चिनामून, गार्लिक, कार्डमम, ट्यूमेरिक और जिंजर, यानी कि यहाँ पे चिनामून यानी कि दालचीनी, गार्लिक यानी कि लहसुन, कार्डमम यानी कि इलायची, ट्यूमेरिक यानी कि हल्दी और जिंजर यानी कि अदरक। तो ये जो हमारे स्पीसीज ने के नेम लिखे उसकी टच कैसी होती है और उसकी स्मेल कैसी है वो आपको रिकॉग्नाइज यानी कि याद करके आपकी आइज क्लोज करके पता नहीं है। तो अगर हम ऐसे दालचीनी को यानी कि चिनामून को देखेंगे तो वो उसका टच यानी कि उसका टच कैसा होता है, स्मूथ होता है, और वो उसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट और स्ट्रांग होती है। देन गार्लिक, गार्लिक यानी कि लहसुन, यानी कि लहसुन को तो आप पहचानते ही हो कि उसको टच करते हैं तो कैसे अनइवन सरफेस यानी कि गोल जैसा दिखता है और उसकी स्मेल तो बहुत ही स्ट्रांग लगती है। देन नेक्स्ट है कार्डमम, कार्डमम यानी कि इलायची, तो इलायची भी आपको पता होगा कि उसकी जो टच होता है वो बहुत स्मूथ होता है, देन उसकी स्मेल बहुत ही स्वीट एंड स्ट्रांग होती है यानी कि सारे घर में फैल जाती है। देन नेक्स्ट क्या है ट्यूमेरिक, ट्यूमेरिक यानी कि हल्दी, तो हल्दी को अगर आप टच करेंगे तो वो स्मूथ होता है एकदम और वो उसकी स्मेल कैसी होती है, लाइट होती है। देन नेक्स्ट है जिंजर, जिंजर यानी कि अदरक, तो अदरक को तो आप पहचानते होंगे उसकी जो टच होती है वो कैसी होती है, रफ होती है, ऊपर से हमको रफ लगता है, देन उसकी स्मेल भी कैसी होती है, लाइट होती है। तो ऐसे आपको आपकी लिस्ट बनानी है ऐसे ही और उसको आइज क्लोज करके उसकी टच और स्मेल से बताना है कि कौन सी चीज़ है, तो सही है तो राइट का मार्क लगाना है, देन रॉन्ग है तो रॉन्ग का मार्क लगाना है।
देन नेक्स्ट क्या है, लेट्स अस ट्राई मेकिंग अ स्पाइसी पोटैटो चाट, यानी कि कैसे स्पाइसी पोटैटो चाट बना सकते हैं उसकी हमें यहाँ पे रेसिपी बताई है। फॉर दिस यू नीड, यानी कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबाले हुए पोटैटोस, इनफ फॉर एवरीबडी इन द क्लास, सॉल्ट उसमें हो सकता है यानी कि उसकी ज़रूरत हो सकती है, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है वो, मैंगो पाउडर उसको क्या कहते हैं, आमचून, और लेमन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। देन नेक्स्ट क्या है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, यानी कि उसको क्या कहते हैं, जीरा कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट एंड गरम मसाला इफ इट इज अ पॉसिबल, यानी कि आप क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो उबाले हुए पोटैटो हो उसको लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े में पीस करके उसको लेना है, देन उसमें आप और भी जितने भी मसाले हमने आगे देखे उसको डाल के एक बहुत ही अच्छा पोटैटो तैयार हो जाएगा, स्पाइसी पोटैटो चाट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्पाइसी पोटैटो चाट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले जो उबाले हुए आलू है वो लेने हैं, फिर उसको कट करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, देन उसमें हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि जितने भी हमने आगे मसाले देखे जितने भी ज़रूर है वो सारे मसाले डाल सकते हो, जैसे कि सॉल्ट है यानी कि नमक है, रेड चिली पाउडर है यानी कि मिर्च है, आमचूर्ण डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, जितने भी टेस्ट चाहिए उतने हम, देन जीरा भी डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, गरम मसाला, गरम मसाला किससे कहते हैं कि जो सारे मसाले होते हैं उसको क्रश करके उसको एक मसाला बनाया जाता है, जो आपकी मम्मा को पता होगा, जो आप उसको पूछ के भी बता सकते हो कि गरम मसाला क्या होता है, कि जो सारे मसाले होते हैं उसको क्रश करके एक गरम मसाला बनाया जाता है, तो वो भी आप डाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, रेडी आपका स्पाइसी पोटैटो चाट रेडी हो जाएगा, वो हम यहाँ पे बताया है। देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए वो हम देखते हैं, डिड यू एंजॉय द पोटैटो चाट, तो आंसर क्या आएगा, येस आई एंजॉय द पोटैटो चाट। देन नेक्स्ट क्या है, जस्ट इमेजिन, यानी कि इमेजिन करना है, इफ देयर वर नो स्पीसीज टू मेक द पोटैटो चाट हाउ वुड इट टेस्ट, यानी कि यहाँ पे बताए कि अगर हम पोटैटो चाट में एक भी स्पीसीज नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, इफ देयर वर नो स्पीसीज ऑफ स्पाइसीज टू मेक द चाट इट वुड हैव नॉट टेस्ट गुड, यानी कि अगर हम ऐसे पोटैटो चाट में एक भी स्पीसीज नहीं डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू लर्न एंड मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एंजॉय इट विथ ऑल फ्रेंड्स इन द क्लास, यानी कि ऐसे और भी चाट्स हैं जो आप बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चाट, वो आपको आपके क्लास में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू स्पीस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील वन योर टंग, यानी कि आपके टंग में कोई एक लेस स्पाइसी यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, देन वेरी स्पाइसी यानी कि एक थिंग्स जो बहुत ही अच्छी होती है, स्पाइसी लगती है खाने में, तो उसको आप टंग में रखेंगे तो कैसा फील होगा, देन हाउ कैन बी राइट आंसर, स्पाइस लेस थिंग्स गिव नो सेंसेशन ऑन माई टंग, यानी कि अगर ऐसा जो हम स्पाइसी लेस वाला जो भी चीज़ है उसको हम अपने टंग में रखेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, देन बट स्पाइसी थिंग्स मेड टिंगलिंग सेंसेस ऑन माई टंग, यानी कि ऐसी स्पाइसी चीज़ अगर हम अपने टंग में रखेंगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, देन हमारे मुँह में पानी आ जाता है कि कितना हम जल्दी उसको खा सकें, तो ऐसे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे देखे, देन उसकी एक्सरसाइज भी देखी, जो भी क्वेश्चन दिए थे उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 25 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।